आगे जो तुम किला देख रहे हो, इस किला के बारे में तुम लोग वीडियो के लास्ट में जानोगे। इस वीडियो को लास्ट तक देख, तो फिर शुरू करते हैं माइनक्राफ्ट स्टोरी पार्ट 11 के साथ। अरे भाई आप बकला गए क्या? हम ओए रुक जा, आज ही चलाने का मौका मिला है गड्डी को उड़ा डालूंगा मैं तो। ओए मैं निकला गड्डी लेके। अरे भैया यार धीरे धीरे चलाइए, ये मेरी शादी में काम आने वाली गड्डी है यार, आप कैसे चला रहे हो यार? ओए कंजूस मक्की चूस, कितना कंजूस है तू? ले ले तेरा गड्डी रख दिया मैंने इधर सिंचन के घर पे ही पार्क करके। अरे भैया गड्डी को बस गरम करना था, बहुत दिनों से नहीं चलाया था इसीलिए निकाला था बस गरम करने के लिए, आपने तो पूरा जंगल ही घुमा दिया। अब मैं किसी को नहीं देने वाला गड्डी। ओए ठीक है ठीक है। ओए तो दोस्तों यार कैसे हो पट्टर लोग? मैं जैक और ओए तू बोल। अरे पट्टर लोग और मैं होगी, हम दोनों के तरफ से आपको एक और नई वीडियो में स्वागत है यार। और आज तो पूरा मचाने वाले, वीडियो को लास्ट तक देखो। और हाँ यार सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाक से सब्सक्राइब कर दो। तो फिर यार चलो पट्टर लोग, आज हम मचाने वाले क्योंकि आज है हमारी होली का केक शॉप का ओपनिंग सेरेमनी और आज कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मेन तो वो कॉकरोचेज आ जाते हैं। ओए हम उन लोग को बुलाएंगे नहीं तो फिर कैसे आएंगे वो लोग? अरे यार भैया आपको पता नहीं है क्या, उन लोग को बुलाने का जरूरत भी नहीं, वो अपने आप आ जाते। कॉकरोच गैंग को आप जानते नहीं भैया। ओए मेरे सामने आ जाए, 2.5 किलो के हाथ से मशल के रख दूंगा। ओए अभी तो छोड़ दे उन लोग को, चल यार ओपनिंग सेरेमनी में जाना है। ओए गांव वाले, तो फिर यार गांव वाले भी आ चुके हैं गांव में वापस। ओए तो आज सभी को ओपनिंग सेरेमनी में आना है। अरे यार भैया अभी सभी गांव वालों को घर में जा जाकर बुला के आएंगे ना यार, अभी तो चलिए भैया यार है होली। तो फिर हम लोग आ चुके हैं, क्या क्या काम है? ओपनिंग सेरेमनी का काम कैसे चल रहा है? धूमधाम चल रहा है ना? है होली? होली किधर है भैया? ओए होली होली मेरी प्यारी, तो ये बना लिया आखिरी टेबल और इसका कुर्सी भी हो गया इसी तरह से तैयार। होली लगता है ओगी और जैक आ गए। ओ ओगी मैं आ रहा हूँ। हेलो ओगी जैक। अरे होली आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। ओए चुप करो तुम दोनों, ऐसा बात मत करो, काम की बात करो। ओए आज ओपनिंग सेरेमनी है, कितना सारा काम बचा है। ओए होली तू फटाफट बोल हमें क्या क्या करना है, हम वही हिसाब से काम करेंगे यार। तो फिर सबसे पहले तो तुम लोग केक शॉप को अंदर से पूरी तरीके से केक और ब्रेड से भर दो, उसके बाद बॉक्सेस में जितना भी केक बचा है ना उन सभी को टेबल में एकदम परोस देना, ताकि जो भी अपनी सेरेमनी में है सभी को केक मिले। तब तक मैं घर में जाके और अच्छे अच्छे केक बनाऊंगा और तुम लोग डेकोरेशन का काम करना। चलो तो फिर आगे अंजलि काम में लग जाओ। ओए तो फिर चल आगे, जो कुछ भी होली ने कहा सब कुछ एक एक करके काम खत्म कर देंगे, क्योंकि आज ओपनिंग सेरेमनी एकदम धमाकेदार होना चाहिए। हाँ आज तो ओपनिंग सेरेमनी धमाकेदार बनाएंगे। और पट्टा लोग यार आपने कुछ नोटिस तो किया होगा ना, केक शॉप के ऊपर देखे हमने CAK एकदम छोटा सा केक लिख दिया है यार। इतने सारे नाम आप लोग ने सजेस्ट किया, क्या बोले पट्टा लोग, आप लोग तो कमाल कर देते हो। थैंक यू सो मच पट्टा लोग, ऐसे ही प्यार पंटर लोग अगर आप लोग देते रहेंगे तो हम ऐसे ही यार बढ़िया बढ़िया काम करते रहेंगे। तो फिर यार भैया चलिए अब काम को शुरू करते हैं। ओए शुरू करते हैं, पर होगी यार जिस तरह से हमने ये जॉम्बी केक, ये डोमी वॉमी बनाया ना केक का, बहुत बढ़िया प्यारा लग रहा है ना ग्लास पे। हाँ भैया यार वो तो बहुत प्यारा लग रहा है, पर यार अब हमें काम भी करना चाहिए। और सल्कर बॉक्स में देखिए मुझे ये क्या मिला, आइटम फ्रेम। ओए आइटम फ्रेम के अंदर हमें केक को परसना होगा। होगी तो फिर चलो यार 1-2-3 आइटम फ्रेम भी ले लेते हैं और थोड़ी बहुत इधर से केक भी ले लेते हैं यार। सबसे पहले तो भैया यही काम करेंगे, सभी टेबल में एकदम केक को सजा के रखेंगे यार। चलो तो फिर इधर तो और 2 टेबल भी आ चुका है नया। ओए तो इधर का कारपेट फोड़ के इधर लगा देते हैं केक। ओए तो इधर का कारपेट को भी फोड़ना होगा। ओए तो तू भी निकल ले इधर से। ओए तो इसको भी निकाल के केक लगा देंगे। ओए तो बैठो यार, जितना मौज करना है कर लो। ओए इधर तो कारपेट भी नहीं है, बहुत बढ़िया हुआ इधर 2 होली ने और 2 टेबल भी बना दिया है होगी यार। हाँ भैया क्योंकि आज तो ओपनिंग सेरेमनी में बहुत सारे लोग आने वाले, और इधर लगा देते आइटम फ्रेम, और आइटम फ्रेम के अंदर चलो तो फिर केक को भी परोस देते हैं। अरे ये केक हाउस में एकदम बढ़िया बढ़िया केक लगना चाहिए। तो फिर यार टेबल सब कुछ भर गया भैया,
ओए तो ओली का पहला काम टेबल में केक रखने वाला काम तो हमने खत्म कर लिया, अब दूसरा काम सभी विलेजर्स लोग को बुलाना है। अरे तो फिर चलिए यार सभी गांव वालों को बुलाते हैं। अरे आगे तो एक विलेजर भी है भैया। ओए विलेजर रुक जा। ओए तो उसको तो अंदर ही जाके बुलाते। ओए रुक भी गया। हेलो विलेजर, देख तेरे को ये केक का इनविटेशन देने के लिए आए हम। अच्छा है, इतना बढ़िया केक इस गांव में किसने बनाया रे विले लोग? अरे और कौन विलेजर, मेरी फेरी ओली ने बनाया है और उसी केक शॉप का आज एकदम ओपनिंग सेरेमनी भी है। तो फिर अपने बच्चे लोग को लेकर आना ओपनिंग सेरेमनी में, फ्री में केक मिलेगा, समझ गए ना? ओए समझ गए ना? अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया केक है। ओए मैंने खा लिया थोड़ा सा, चुरा के उसको पता भी नहीं चला। अरे भैया यार विलेजर्स को दिया हुआ केक क्यों खाते हो आप? है मेरा BMW भैया। ओए ओगी कौन है ये जो तेरा शादी का BMW चला रहा है? है विलेजर का बच्चा है भैया ये तो। है रुक जा, तेरी तो छोटे है भैया। यार ये तो मेरा BMW बिगाड़ के रहेगा। है रुक जा, है बाहर निकल इधर से छोटे। है ये मेरा शादी का BMW है, ये बिगाड़ के रहेगा। है इसने तो बाहर भी निकाल दिया, गड्डी को ही बाहर निकाल दिया इसने तो। यार वाह वाह, देख रहे हूँ सोगी और जैक कोलंबू, उन लोग का खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उन लोग ने केक ओपनिंग सेरेमनी में हमें भी नहीं बुलाया। तुझे कैसे बुलाता मोटू, पूरा गांव वालों का केक तो तू अकेला खा लेता। ये रे चुप कर तू, मैं पूरा गांव वालों का केक खा लेता तो इसलिए मुझे नहीं बुलाया, लेकिन तुझे भी नहीं बुलाया। रे वाह वाह, वो लोग की लड़ी को भूल गए मोटू, इसका बदला तो लेना ही होगा। अरे यार चल पूरे बिल्ले परिवार को आज सबक सिखा दे और उन लोग को भी पता चले कॉकरोचेस कौन ही बोल के। पर हम करेंगे के? यार लंबू इन बिल्ले लोग के खुशियाली के पीछे एक केक शॉप है ना, आज इस केक शॉप को उड़ा देते हैं, चल पूरे करके तेज पेस कर देते हैं। वाह वाह, और ये टाइमिंग भी बिल्कुल सही है, अभी तो अपने घर के अंदर केक बना रही है और अभी जैक तो अपना BMW को छुड़ा रहे हैं छोटू के मदद से। सही बोला, ये केक है ना, इस केक को खा के तो मैं डकार भी नहीं मारू, इतना छोटा सा केक भी होता है क्या? अरे वाह वाह, इनके केक शॉप को तो चला दिए ऐसी की तैसी कर देते। सबसे पहले इसके ये गमला ही फोड़ दूंगा। रे बाबा, अंदर का एक भी चीज बता नहीं चाहिए, सब कुछ तोड़ देंगे फोड़ देंगे। बिल्कुल सही, और इन सभी केक को भी उठा लिया इधर से, आज तो कॉकरोच गैंग का पार्टी शार्टी होगा। ये रे बिल्कुल सही, और ये कौन है इसको भी उड़ा देते। वाह वाह, इसको तो देखो ज़ॉम्बी केक, इंसान वाली केक, सभी को फोड़ फोड़ के खाएंगे आज। मोटू सब कुछ तो हमने उठा लिया, बचा है सिर्फ ये ग्लास के अंदर का केक, इसका क्या करें? यार बाबा करना क्या है, फोड़ डाल इनको भी उठा के खा लेंगे। बाबा ज़ॉम्बी केक, ये केक डॉमी केक है। बाबा इनके आगे सच में केक रख देते। बाबा डॉमी केक रख के वंदे लोग को उल्लू बनाते हैं ये लोग, इन लोग का डोमी केक को सभी को उड़ा के फेंक देते। चल तो फिर सभी ग्राउंड में केक और केक डाल देते तो इन लोग को भी पता चले इधर आके किसने बचा के रख दिया इन लोग। बाबा इन लोग को पता चलेगा कॉकरोच गैंग कितना खतरनाक है और कॉकरोच गैंग को केक पार्टी में इनवाइट नहीं करने का, ये इन लोग का पनिशमेंट। ये सी पनिशमेंट तो कसम से इन लोग को तो कभी नहीं मिला होगा, आज तो इन लोग की तो बैंड ही बज गया। बाबा मजा ही आ गया, और थोड़ा सा और तोड़ फोड़ कर लेते रे बाबा, लाइट भी फोड़ डाला, अब क्या चाहिए, अब तो चलो इधर से चलते हैं जल्दी जल्दी। थोड़ा सा बाहर भी लगा दिया केक, इसके ऊपर भी लगा दिया केक, अब बोलने का मन दे चुका है, टाटा बाय बाय। चल चल रे बाबा, अब इधर से जल्दी से चल, अगर हम भी फंस गए ना तो हमारी बैंड बजता थे, पर ऊपर तो ये लोग ओली के साथ नहीं आ सकते ना। चलो तो फिर देखते हैं अब होता क्या है। अरे बाहर निकल इधर से तू, है विलेजर बाहर निकल बोल रहा हूँ। ओ यार ये बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे यार बाहर निकल जल्दी से, है अब एक ही रास्ता है, रुक जा तेरी तो, अब इसको स्विमिंग पूल के अंदर डुबा देता हूँ इस कार के अंदर, अब निकल इधर से बाहर या फिर इधर ही डूब के मर जा तू। ओए बहुत सही किया, अभी ये डूबने के बाद खुद ब खुद बाहर निकल लेगा। ओए दूसरे का BMW चोरी करता है बाहर भी नहीं निकलता, यार कैसा विलेजर है ये? अरे यार भैया इधर का विलेजर तो बहुत खतरनाक है। ओए कॉकरोचेस से भी ज्यादा खतरनाक है क्या? अरे भैया कॉकरोचेस इससे भी कई गुना खतरनाक है, आपको तो पता ही नहीं, अगर उन लोग को पता चलता है वो मेरी BMW है बोल के, वो लोग तो उसी दिन TNT बम लगा के उसको फोड़ देते हैं। शुक्र कीजिए उन लोग को अभी भी पता नहीं है वो मेरी BMW है बोल के। ओए उनकी तो ऐसी की तैसी होगी, तू बोल एक बार उनके घर में जाके घुस के मारूंगा 2.5 किलो हाथ से। अरे भैया छोड़िए ना तो फिर चलिए। है भैया ये क्या हुआ हमारे केक शॉप को? ओए होगी भाई इधर तो बवाल मची पड़ी है, हर तरफ केक ही केक है।
ओए यार ऐसा केक किसने बिछवा दिया इधर? ओए इधर देख, ओए हमारा डॉमी केक भी किधर चला गया, डॉमी डॉमी केक। और देख इधर हर तरफ केक ही केक, और केक भी बहुत झूठा लग रहा है। ओए कोई तो घुस के आया है, ओए कोई चोर है लग रहा है मुझे। होगी ओए सर्कल बॉक्स में एक भी केक नहीं है, और सभी केक देख जमीन में पड़ा हुआ है। अरे भैया यार ये किसने किया? इधर तो थोड़ा बहुत केक बचा है, इधर भी थोड़ा बहुत ब्रेड बचा है, ऊपर का केक आइटम फ्रेम में जितना भी केक लगाए थे ना सब कुछ फोड़ दिया है, ग्लासेस व्लासेस भी फोड़ के, जॉम्बी केक हमारा सब कुछ केक चुरा के ले गए। और इधर तो देखो पूरे के पूरे केक जुटा है। ओए ये सब किसने किया होगी? और देख टेबल वेबल भी सब कुछ एकदम पटक के रख दिया है। ओए सब कुछ टेबल वेबल एकदम एक जगह में नहीं है यार होगी, ये सब किसने बवाल मचा दिया? और केक को देख हर तरफ ही हर तरफ लगा दिया है। ओए यार ये सब किसने किया? ओए होगी जल्दी से ओली को बुला, देख दरवाजा भी खुला है ओली का। है ओली, ओली बाहर केक शॉप पे चोर घुस चुका है और उसको अभी भी पता नहीं है क्या? ओए ये कोई चोर वोर नहीं, मुझे तो कोई दुश्मन लग रहा है। होगी यार चोर तो चुरा के ले जाता है यार, इधर तो पूरा केक शॉप ही टूटा फूटा है। हाँ यार भैया केक शॉप को देख के मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। ये रे दाल में कुछ काला नहीं, पूरा दाल ही काला है रे बाबा। ए कौन है पीछे? ओए पीछे तेरा बाप कॉकरोचेस खड़े। ओए क्या बोला तू? ए इनको तो चलो घुस के ही मारूंगा मैं। ओए रुक जा, ढाई किलो के हाथ से कोई जिंदा नहीं बचेगा। यार पिल्ले लोग उधर ही रुक जाओ, नहीं तो ओली को एक झटके में खत्म कर डालूंगा। है ओली, ओली को किसने लेकर आया ऊपर? हमें पता था तुम लोग बच्चा लेने के लिए जरूर हमारे पास आओगे, इसीलिए हमने केक सब को फोड़ा। तुम लोग जब BMW को पानी के अंदर डाल रहे थे तब हम फिर से जाकर ओली को भी किडनैप करके लेकर आ गए। ओए लेकिन ओली तुम्हारे पास है, इसका क्या गारंटी है? ओली तुम फिकर मत करो, मैं तुम्हारा बहुत पास हूँ। अरे लेकिन अब दूर जाने का पता चुका रे बाबा। तुम लोग रुक जाओ, अरे पीछे आने का कोशिश किया तो ओली को इधर ऊपर से फेंक डालेंगे हम। अरे लंबू तो फिर चलते हैं ओली को लेकर इधर से बहुत दूर, हमारे पूर्वजों के किले में। बिल्कुल सही जगह चुना है, पर मुझे उधर थोड़ा सा डर लगता है। अरे बाबा चुप कर तू, मेरा असली प्लान अब सुन। मेरा असली प्लान ये है कि होगी और ओली का मैं कभी शादी नहीं होने दूंगा रे बाबा। इन लोग शादी का बहुत तैयारी कर रहे थे ना, अब ओली तो हमारी हो गई, अब देखते हैं होगी शादी किससे करेगा रे बाबा। तो फिर चलते हैं ओली को लेकर बहुत दूर हमारे पूर्वजों के किले में। यार लंबू इधर आते आते तो रात भी हो गई और बारिश भी शुरू हो गई, इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है इस जगह में बैठू। यार चुप कर, अपने पूर्वज के किले में क्या डरना, आप चल लैंडिंग करते रे बाबा एकदम मस्त करके। जी हनुमान जी ने गुरु सेगर मोटू अच्छे से चलाने हेलीकॉप्टर, मुझे बहुत डर लगता है। यार बाबा तू खिलाड़ी होके भी कितना डरता रे बाबा, चल तो फिर हम पहुंच गए नीचे सीधा। मेरी सगी सहेली को भी लेकर जाना है क्या? अरे उल्लू के पट्टे, अगर ओली और हेलीकॉप्टर को एक साथ छोड़ेंगे तो वो हेलीकॉप्टर चला के भाग जाएगी नहीं इधर से। चल उसको ऊपर कासल पे लेकर जाना होगा, पीछे पीछे चल मेरे साथ। कासल के सबसे टॉप फ्लोर में ओली को बंदी बना के रखेंगे, तो फिर देखते हैं ओगी और जैक भी कब तक आएंगे कासल पे ढूंढते ढूंढते। अगर ढूंढते ढूंढते आ भी गए ना वो लोग कासल के ऊपर आ नहीं पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। लेकर आओ उस ओली को। ओली भी हो से बहुत भारी है मोटू। अरे खिलाड़ी होकर अगर एक लड़की को उठा नहीं पाएगा तो तेरे को मैं क्या खिलाड़ी बोलूं, जल्दी से उठा के लेकर आ मेरे पास उसको, ऊपर लेकर जाएंगे ऊपर ही फ्लोर में। बहुत बरसों के बाद अपने किले में आए तो फिर बहुत डरावना हो चुका है अपना किला तो। यार बाबा किला डर अपना भी होना चाहिए, जब वोगी और जैक आएंगे ओली को छुड़ाने के लिए तो उनका भी चक्का छूटना चाहिए ना इस किले में आकर। देखता हूँ वो लोग कैसे ओली को इधर से छुड़ा के लेकर जाएंगे, तो फिर हम पहुंच गए टॉप फ्लोर में। टॉप फ्लोर तो बहुत बढ़िया है, मैं भी इधर सोऊंगा। यार लंबू ये कमरा ओली के लिए, हम लोग इधर ओली को सुला के नीचे नीचे वाले फ्लोर में चले जाएंगे। बाबा तो फिर चल ओली को इधर ही सुला डाला, चलते इधर से नीचे। इधर बहुत ठंड है, रुक जा मैं थोड़ा सा गर्म वाला कपड़ा ले लूं उसके बाद चलते। One hour later. ये रे ओली भी सो गई, लंबू भी सोने के लिए चला गया, पर न जाने मुझे नींद क्यों नहीं लग रही है। क्या ओगी और जैक ओली को ढूंढते ढूंढते इधर तक आ पाएंगे या फिर नहीं, या फिर मुझे बॉडी गार्ड के लिए किसी और का हेल्प लेना चाहिए। ना जाने अब क्या होगा, जो भी होगा चलो देखेंगे पार्ट 13 मेरे बाबा।